हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर। इससे पहले हम अल्कोहल और फिनोल के केमिकल रिएक्शंस को पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे ईथर के केमिकल रिएक्शन को। तो ईथर क्या होता है हमारा? आर ओ आर। आर क्या है यहाँ पर? कोई सा भी अल्काइल ग्रुप है। ये दोनों आर अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी ईथर है, ठीक है। ये सिमेट्रिकल ईथर है या अनसिमेट्रिकल ईथर है? इस ईथर को कहा जाता है सिमेट्रिकल ईथर एंड दिस वन इज अनसिमेट्रिकल ईथर। ओके, होता क्या है यहाँ पर? यहाँ पर क्लीवेज होगा बॉन्ड का। कौन से बॉन्ड का क्लीवेज होगा? ये वाले बॉन्ड का या ये वाले बॉन्ड का? इन बॉन्ड्स का क्लीवेज होगा। आप फाइनली कह सकते हैं कि क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, क्लीवेज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज होगा यहाँ पर। अगर आप देखें तो ये बहुत पुअर फंक्शनल ग्रुप है, बहुत लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है। ये बॉन्ड को ईजिली क्लीव नहीं करता, यानी कि अगर हमको कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीव करना है तो ये इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगा जैसे हमने पढ़ा था अल्कोहल और फिनोल के केस में। अल्कोहल में बहुत आसानी से हो जाता था, फिनोल में नहीं हो पाता था। एरोमेटिक रिंग की वजह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर पढ़ा था हमने। ईथर के अंदर क्या होगा? ये लेस रिएक्टिव होते हैं। ये आप कह सकते हैं कि ईथर क्या है? लेस रिएक्टिव। जब ये रिएक्टिव कम है तो क्या होगा? लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप बहुत कम रिएक्टिव है। तो जब इसको हम एक्टिव कराएंगे, यानी कि अगर हम क्लीवेज की बात करें, क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इसकी बात करें, तो हम यहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर रखना होगा। तो फॉर दिस क्लीवेज वी नीड टू हैव हाई टेम्परेचर एंड एक्सेस रिएजेंट। अब यहाँ पर जब हम यूज़ करते हैं रिएजेंट, दैट इज़ HX हेलो एल्किन्स बनाने के लिए जैसे हम यूज़ करते थे ना, उस तरीके से हम यहाँ पर यूज़ करेंगे HX का, यानी कि HCl, HBr, HI, इनमें से कोई सा भी एसिड यूज़ करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी में कौन सा ज़्यादा जल्दी से क्लीव करेगा बॉन्ड को। तो होगा क्या? यू हैव एन ईथर एंड ईथर इज़ टू बी रिएक्टेड विद HX। जब इस हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन होगी, जैसे आप जानते हैं इसके अंदर पोलैरिटी होगी, ये क्या होता है? डेल नेगेटिव। ये इसके एस्पेक्ट में होगा डेल पॉजिटिव, जब तक इनके बीच में बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, दैट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर इट। यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इनके बीच में एक बॉन्ड है। फाइनली इसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखिए, या हाइड्रोजन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। मैकेनिज्म में अभी हम समझेंगे, आप अभी आप मैकेनिज्म ना करें, अगर इस तरीके से ही समझें। लेट सपोज वी जस्ट हैव टू राइट, हमने इसको ऐसे लिख लिया, ये बॉन्ड क्लीव हुआ और ये इसको मिल गया और ये इसको मिल गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि अगर मैं कहूँ इन शॉर्ट, आपने समझा, ये इसके साथ चला गया, ये इसके पास चला गया, तो बनेगा आपका ROH देन RX। ये रिएक्शन यहीं पर स्टॉप नहीं होगी, फिर से ये रिएक्शन होती है। फिर से जब ये रिएक्शन होगी तो क्या फॉर्मेशन होगा? जस्ट टेक एन अल्कोहल, यहाँ पर जो अल्कोहल फॉर्म हुआ है आपने उसको लिया, देन इट इज़ टू बी ट्रीटेड विद हाइड्रोजन हलाइड। इससे आपने ट्रीट कराया तो यहाँ पर क्या करेगा? ये हाइड्रोजन क्या होता है? डेल पॉजिटिव, दिस वन इज डेल नेगेटिव, अनटिल दे हैव बॉन्ड बिटवीन देम। ठीक है, जब बॉन्ड क्लीव कर देंगे तो कम्प्लीटली नेगेटिव एंड कम्प्लीटली पॉजिटिव चार्जेस टू बी डेवलप्ड हियर। फिर यहाँ पर बॉन्ड क्लीव हुआ, कौन सा? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की क्लीवेज हम पढ़ रहे हैं। हमने क्या कहा था? एक्सेस में रिएजेंट होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर एक दफ़ा ये यूज़ कर लिया, फिर से यूज़ करें, क्यों? क्योंकि ये एक्सेस में है। ठीक, बॉन्ड क्लीव हुआ और यहाँ से निकल जाएगा आपका वाटर मॉलिक्यूल और ये बन जाएगा आपका RX प्लस ऑफ वाटर। ठीक है, तो ऐसा हम कह सकते हैं इन शॉर्ट क्या लिख सकते हैं? वेन एवर वी हैव सिमेट्रिकल ईथर एंड दैट इज़ टू बी ट्रीटेड विद HX। HX क्या है यहाँ पर? हाइड्रोजन हैलाइड विद हाई टेम्परेचर। यहाँ पर जब इसको ट्रीट करेंगे, इसको हमें क्या लेना होगा? एक्सेस में। जब हम इसको एक्सेस में लेंगे तो क्या बनेगा? ये R, ये X और ये वाला R और ये वाला X, साथ में क्या बनेगा? वाटर। हमने भी करके देखा ना, दो स्टेप में रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पे फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा, यू कैन राइट द टू मोल्स ऑफ हेलो एल्केन इज टू बी फॉर्म्ड अलॉन्ग विद वाटर। ये बनेगा, ये हमने जिस्ट निकाला कि हमने क्या समझा, इन शॉर्ट कह सकते हैं ना इसको। ये कब पॉसिबल है? जहाँ पास सिमेट्रिकल ईथर होगा, यानी कि दोनों आर ग्रुप सेम है। अनसिमेट्रिकल होगा तो दोनों आर ग्रुप अलग अलग होंगे। जब दोनों आर ग्रुप अलग होंगे तो हमें दोनों के लिए अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमारे पास
अनसिमेट्रिकल ईथर हुआ तो, यानी कि वी हैव आर ओ आर डैश एंड दैट इज़ टू बी ट्रीटेड विद एच एक्स एक्सिस स्टार्ट टू हीट. अब हमने उसको हीट कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पर सिमिलर प्रोडक्ट बनेगा, पर यहाँ पर आर एक्स के दो मोल बन गए थे क्योंकि दोनों के दोनों सेम थे. यहाँ पर क्या बनेगा, एक दफ़ा आपका आर एक्स बनेगा, फिर बनेगा आपका आर डैश एक्स, साथ में बनेगा आपका वाटर. दिस इज़ ऑल अबाउट. ये आपका कब बनेगा, ये होगा आपका जब सिमेट्रिकल ईथर हो, ये होगा कब जब अनसिमेट्रिकल ईथर हो. तो आपने प्रोडक्ट देख लिया सिमेट्रिकल में कैसा होगा और अनसिमेट्रिकल में प्रोडक्ट कैसा होगा. नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिज्म किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड कर रही है और ये प्रोडक्ट्स बनते हैं. लेट्स सी. सिमेट्रिकल में तो कोई दिक्कत नहीं आती, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है अनसिमेट्रिकल ईथर के अंदर स्टूडेंट्स को. तो मैं वही वाली एग्जाम्पल लेकर के समझाती हूँ आपको. दिस वन इज अनसिमेट्रिकल ईथर. यहाँ पर क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पर क्या लगा है, इथाइल ग्रुप. तो अनसिमेट्रिकल ईथर हो गया. इट इज़ टू बी ट्रीटेड विद हाइड्रोजन एच आई, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड. इसके साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जैसे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर देखेंगे, यहाँ पर बॉन्ड है इनके बीच में, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये जो ऑक्सीजन होता है इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. अब जब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखता है तो प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश, यानी कि पूरा का पूरा मॉलिक्यूल खींच के इसकी तरफ जाने लगेगा. जब इसकी तरफ जाने लगेगा तो जो बनाएगा वो बनेगा CH3O CH2 CH3 एंड देन हाइड्रोजन प्लस ऑफ आई माइनस रह गया ना. अब ये ऑक्सीजन अपनी एबिलिटी से ज़्यादा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है 1, 2, 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, सॉरी इस ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कोई भी अगर अपनी एबिलिटी से ज़्यादा काम करता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. तो ऑक्सीजन की एबिलिटी कितने बॉन्ड बनाने की है, दो बॉन्ड बनाने की, बना कितना रहा है, 1, 2, 3, इसलिए इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज, यहाँ पर आ गया माइनस चार्ज. अब ये जब प्लस चार्ज होगा इसका मतलब ये बॉन्ड को क्लीव करेगा और अपने आप को स्टेबलाइज़ करेगा, यही होता है ना, यहाँ से क्लीवेज होगा क्योंकि तीन बॉन्ड तो रख ही नहीं सकता ऑक्सीजन. अगर ये इस बॉन्ड को ब्रेक करता है तो ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा जैसे ये पहले था, तो कोई फ़ायदा तो है नहीं. और जो भी बॉन्ड नया बना हो वो कभी नहीं क्लीव होता है, पुराना बॉन्ड ही क्लीव होता है हमेशा, ठीक है. अब आपको देखना है कि इन दोनों में से कौन सा बॉन्ड क्लीव होगा. देखिए समझने का बेहतरीन तरीका क्या है, अगर मैं CH3 के बॉन्ड को ब्रेक करती हूँ, यानी कि बॉन्ड ऐसे ब्रेक किया और इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसके पास छोटा यानी कि CH3 एक छोटा ग्रुप है, यानी कि थोड़े से इलेक्ट्रॉन है. ये अगर मैं देखूँ तो ये लिख सकते हैं आप C2H5 लिखा जा सकता है ना. जैसे अगर मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखूँ, समझने के लिए आप इसको ऐसा लिख लीजिए, वी मे राइट लाइक दिस, ऐसा लिख सकते हैं ना. ये वाला ग्रुप कम इलेक्ट्रॉन देगा, ये वाला ग्रुप ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा. तो जो चीज़ ज़्यादा देगी हम उसको छोड़ना नहीं चाहते, जो कम दे रहा होता है हम उसको छोड़ सकते हैं. आप ये भी कह सकते थे हाइड्रोजन तो एक दे रहा है, हम इसको क्यों नहीं छोड़ दे, क्योंकि हम इसको इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि अभी फॉर्म हुआ है बॉन्ड. जो न्यूली फॉर्म्ड बॉन्ड होता है वो कभी ब्रेक नहीं होता, प्रीवियस बॉन्ड ब्रेक होता है. तो प्रीवियस में ये दोनों थे, ये प्लस चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अच्छे से कौन दे सकता है, प्लस को न्यूट्रलाइज करना है ना हमको, तो ये कम देगा इलेक्ट्रॉन, CH3 छोटा ग्रुप है, C2H5 बड़ा ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देगा, तो ये नहीं क्लीव करेगा, ये वाला बॉन्ड क्लीव करेगा. यहाँ आ गया नेगेटिव, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव, ठीक है. अब इसको आप निकाल लीजिए अलग अलग, ये बन गया आपका इथेनॉल एंड CH3+. अब सोल्यूशन में यहाँ पर आयोडाइडाइन पहले से था तो ये किसके साथ कंबाइन कर जाएगा, आयोडीन के साथ कंबाइन कर जाएगा. तो आप फाइनली लिख सकते हैं, आपको मिल गया क्या, अल्काइल हैलाइड मिल गया ना आपको. अब ये यहाँ पर आपको एक प्रोडक्ट तो सिंथेसाइज हो गया, नेक्स्ट को देखते हैं, अल्काइल हैलाइड बन गया स्टेबल प्रोडक्ट. अब हमारे पास क्या बचता है, हमने पढ़ा था कि हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, जो अल्कोहल सिंथेसाइज हुआ है, ये जो अल्कोहल सिंथेसाइज हुआ है इसको फिर से ट्रीट करेंगे HI के साथ, क्योंकि हम इसको एक्सेस में लेते हैं विद हाई टेम्परेचर, यही होता है. अब हमने जो अल्कोहल लिखा है हम उसको लिख लेते हैं OH, देन इट इज़ टू बी ट्रीटेड विद हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक, देन स्टार्ट टू हीट. तो क्या होगा यहाँ पर आपका, इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये डेल नेगेटिव है, ये डेल पॉजिटिव है, ये ग्रुप इसके पास चला जाएगा. फाइनली यू कैन राइट ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड हैविंग प्लस चार्ज ओवर इट प्लस ऑफ आयोडीन लिखा जा सकता है बिल्कुल. अब क्या होगा, जो वाटर होता है वो बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है. वाटर क्या होता है, वाटर बेस्ट
लीविंग ग्रुप, जहाँ वाटर बन रहा होगा फट से निकल जाता है वो मॉलिक्यूल में से। और हमने पढ़ा था कि न्यूली बॉन्ड को हम ब्रेक नहीं करते, प्रीवियस बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। तो प्रीवियस बॉन्ड में एक हाइड्रोजन का ये वाला बॉन्ड है और ये वाला ग्रुप ये वाला बॉन्ड है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये पूरा वाटर मॉलिक्यूल अगर निकाल दें हम, तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर ये बॉन्ड क्लीव करे तो एक मॉलिक्यूल पर नेगेटिव पॉजिटिव ये हो जाएगा न्यूट्रल, वाटर बन के खुश, इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। ये प्लस चार्ज इस आयोडाइड के साथ कंबाइन करके हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन करेगा और बन जाएगा आपका C2H5+ ऑफ वाटर। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आए यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं हम, आप एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर आपके पास 1 डिग्री या 2 डिग्री ईथर है, प्राइमरी ईथर या सेकेंडरी ईथर है, तो वहाँ पर आपका मैकेनिज्म जो फॉलो होता है वो होता है फॉलो SN2 मैकेनिज्म। जब आपके पास क्या हो 1 डिग्री 2 डिग्री ईथर हो तो वहाँ पर क्या होगा SN2 रिएक्शन होगी। SN2 रिएक्शन होगी इससे क्या समझते हैं हम उसे ये समझते हैं कि जो आयोडाइड ग्रुप आएगा वो उस ग्रुप के पास आएगा जहाँ पर हिंड्रेंस कम हो। अगर हमने देखिए यहाँ पर सबसे पहले आयोडाइड ग्रुप किसके पास आया था, छोटे ग्रुप के पास आया था ना, CH3। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, हाइड्रोजन 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 प्लस चार्ज, अब इसको आयोडीन अगर अप्रोच करना चाहे तो इस हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा है, आयोडीन आसानी से इसको अप्रोच कर सकता है। तो यहाँ पर SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होती है, कब, जब आपके पास 1 डिग्री 2 डिग्री क्या हो ईथर हो। ठीक है, अगर आपके पास टर्शियरी ईथर है तब सीन बदल जाता है, यानी कि इसका रिवर्ट हो जाता है। अगर आप इससे नहीं समझना चाहते हैं आपका तब भी काम चलेगा। आपने क्या समझा, जो ग्रुप ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा उसका बॉन्ड वो बाद में क्लीव करेगा, जो कम इलेक्ट्रॉन देगा उसको पहले क्लीव करके निकाल देगा। ठीक है, आप इससे भी कर सकते हैं, आपका हमेशा आंसर इससे भी ठीक आएगा। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। अगर हमारे पास टर्शियरी ईथर होगा तब क्या होगा, देखिए टर्शियरी ईथर है, अब क्या है आपके पास HI से ही करते हैं। अगर हमने उसको HI को एक्सेस में, क्यों, हम कह रहे हैं कि इसका जो ग्रुप्स होते हैं ये क्या होते हैं, बेस्ट रिएक्टिव ग्रुप की तरह काम नहीं कर सकते। कौन से, ईथर, ईथर जो है वो एक्टिव फंक्शन ग्रुप की तरह काम नहीं करता। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सेस में रिएजेंट लेते हैं और अलॉन्ग विद दैट वी हैव हाई टेम्परेचर, ये लिया जाता है। अब क्या होगा यहाँ पर HI यानी कि अगर मैं लिखूँ इसको तो कुछ ऐसा होगा, ये डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, यहाँ होगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके बीच में अट्रैक्शन होगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। जब बॉन्ड टूट जाता है तो कंप्लीट नेगेटिव और कंप्लीट पॉजिटिव ये इसकी तरफ जब जाने लगेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ठीक है जाओ मुझे अपना इलेक्ट्रॉन दे जाओ। जब अपना इलेक्ट्रॉन लेगा तो आयोडीन के ऊपर आ जाएगा माइनस और हाइड्रोजन के ऊपर आएगा प्लस चार्ज। ये प्लस चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्शन हुआ तो यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा CH3 देन ओ हाइड्रोजन CH3 कंसिस्टिंग पॉजिटिव चार्ज ओवर एंड आयोडीन माइनस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इसके ऊपर प्लस चार्ज आया है, क्यों आया प्लस चार्ज, अपनी एबिलिटी से ज़्यादा बॉन्ड क्रिएट किया है इस ऑक्सीजन ने, 3 बॉन्ड नज़र आ रहे होंगे आपको। तो जब ये 3 बॉन्ड नज़र आ रहे हैं तो यहाँ पर इसमें कोई ना कोई बॉन्ड क्लीव होगा ताकि स्टेबल स्ट्रक्चर को फॉर्म कर सकें। जो हमने पहले समझा था अगर हम उसके मुताबिक देखें तो ये क्या देगा, ये देगा आपको, यहाँ से बॉन्ड क्लीव करें क्योंकि यहाँ पर CH3 ग्रुप है, ये थोड़े से इलेक्ट्रॉन देगा, ये ज़्यादा से इलेक्ट्रॉन देगा, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए था, यहाँ वाला बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए था। पर अगर मैं इसका दूसरा पहलू आपको बताऊँ, ये वाला बॉन्ड अगर हम ब्रेक करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव आएगा वो टर्शियरी होने की वजह से मैक्सिमम स्टेबल होगा, यहाँ पर जो पॉजिटिव आएगा वो प्राइमरी आएगा। तो टर्शियरी वाला कार्बोकेटाइन मैक्सिमम स्टेबल होता है इसलिए बॉन्ड ये वाला क्लीव होगा। यहाँ से अगर क्लीव करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन आएगा और यहाँ से क्लीव करने पर आपका आ रहा है टर्शियरी कार्बोकेटाइन। तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मच मोर स्टेबल देन दैट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, पढ़ा है ना हमने। तो यहाँ पर क्या होने लगेगा, ये बॉन्ड क्लीव हुआ और ये कुछ ऐसा हो जाएगा CH3 हैविंग प्लस चार्ज ओवर इट एंड CH3OH। अब क्या होगा, इसे आयोडीन ट्रीट करेगा अपने आप को और ये कंप्लीट हो गया रिएक्शन लाइक दिस CH3 और आयोडीन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आपको रीज़न समझ में आया, हम यहाँ से बॉन्ड इसलिए क्लीव कर रहे हैं कि जब ये बॉन्ड क्लीव होगा तो यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज और ये जो प्लस चार्ज आएगा वो टर्शियरी होने की वजह से मैक्सिमम स्टेबल होगा।
ठीक है। अगर मैं यहाँ से क्लीव करती हूँ तो यहाँ से जो आता है वो प्राइमरी आता, प्राइमरी कार्बोकैटायन इज लेस स्टेबल देन दैट ऑफ टर्शियरी, तो टर्शियरी ज़्यादा स्टेबल है, इस वजह से हमने टर्शियरी कार्बोकैटायन, टर्शियरी कार्बोकैटायन, इस वजह से टर्शियरी कार्बोकैटायन की रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगी आयोडीन के साथ और ये कंबाइन कर करके बना लेगा अल्काइल हैलाइड। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर हमारे पास एरोमेटिक रिंग के साथ कराया जाए तो क्या होगा। लेट सपोज वी हैव ईथर, एरोमेटिक ईथर, हमारे पास एरोमेटिक ईथर है। अब इसकी रिएक्शन एच आई से ही कर लेते हैं, एच बी आर से भी कर सकते हैं आप। हाँ, एक और चीज़, ऑर्डर नहीं बताया मैंने आपको, ऑर्डर ऑफ, यहाँ पर अगर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या आएगा, सबसे ज़्यादा फास्ट अगर आप लिखें एच एफ एच सी एल एच बी आर एंड एच आई, तो सबसे इफेक्टिव जो रिएक्शन को कराएगा वो एच आई कराएगा, फिर एच बी आर, फिर एच सी एल, फिर एच एफ। रीज़न क्या है, हमें क्या चाहिए, यहाँ से H प्लस चाहिए, और H प्लस कहाँ से आसानी निकलेगा, जहाँ पर साइज़ का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, आयोडीन बहुत बड़ा है, हाइड्रोजन बहुत छोटा है, एक छोटा एक बहुत बड़ा, आराम से बॉन्ड क्लीव हो जाएगा और दोनों हट जाएंगे। यहाँ पर दोनों कंपेरेबल साइज़ के होते हैं, ये सेपरेट ही नहीं होते, जब हमको अलग नहीं होकर के मिलेंगे तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे रिएक्टिव होगा और सबसे लेस रिएक्टिव होगा हाइड्रोजन फ्लोराइड। ओके जी, यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको मैं क्या बताना चाह रही हूँ यहाँ पर। तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो इस पाई के साथ कॉन्जुगेशन में आ जाता है और यहाँ पर आता है कुछ पार्शियल प्लस चार्ज। क्या समझा आपने, अगर आपके पास जो ईथर है वो एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड है, यानी कि जो आर है वो, यानी ये जो आपका ईथर है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे ए आर ओ आर, ए आर का मतलब क्या, एरोमेटिक रिंग, ऑक्सीजन, फिर कोई सा भी अल्काइल ग्रुप, वही हमने बनाया है। यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है। अब इसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट होंगे तो पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और यहाँ पर आने लगेगा पार्शियल डबल बॉन्ड। जहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है उस बॉन्ड को क्लीव करना टफेस्ट टास्क होगा, तो ये बॉन्ड क्लीव नहीं हो पाएगा। तो बॉन्ड क्लीव कौन सा होगा, बॉन्ड ये वाला क्लीव होगा। पहले तो देखिए, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हाइड्रोजन नेगेटिव पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन इसकी तरफ अट्रैक्शन फील करेगा एंड द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बी लाइक दिस, आपको जो मिलेगा ओ CH3 एंड देन हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस चार्ज आएगा। प्लस चार्ज क्यों आएगा, क्योंकि इसने एबिलिटी से फिर से ज़्यादा बॉन्ड फॉर्म कर लिया है। अब क्या होगा, बॉन्ड को क्लीवेज देखना है आपको, ये कौन सा बॉन्ड, क्योंकि प्रीवियस बॉन्ड ये भी है, प्रीवियस बॉन्ड ये भी है, ये वाला भी पुराना है, ये वाला भी पुराना है, ये हाइड्रोजन का ही तो नया है, यानी हाइड्रोजन वाला बॉन्ड तो नहीं ब्रेक कर सकते। आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप OCH3 वाला बॉन्ड ब्रेक करें या OAR वाला बॉन्ड ब्रेक करें। तो बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा ये समझना इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड ब्रेक होगा आपका OCH3 वाला, OR वाला बॉन्ड, यानी कि OAR वाला बॉन्ड क्लीव नहीं होगा, एरोमेटिक रिंग वाला बॉन्ड क्लीव नहीं होगा। क्यों नहीं क्लीव होगा, बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड। यहाँ पर क्या होने लगेगा, रेजोनेंस होने लगेगा, जिसकी वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा। ये वाला कार्बन आपका, सॉरी, ये वाला जो कार्बन है आपका वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पर क्या आने लगेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएशन। यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएशन होने लगेगा, इसलिए ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक होगा नहीं। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड क्लीव कर गया, यानी कि इस मॉलिक्यूल पर आ गया नेगेटिव और पॉजिटिव, ये हो गया न्यूट्रल और यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज। तो ये इसके साथ निकल जाएगा और ये बन जाएगा आपका OH, साथ में बनेगा आपका CH3 एंड प्लस चार्ज है, किसके साथ निकलेगा, आयोडीन के साथ, आयोडीन के साथ कंबाइन कर गया, ये आपका बन गया प्रोडक्ट। तो आज की क्लास में इतना ही, आपको समझना क्या है, अगर एरोमेटिक रिंग के साथ होगा तो वहाँ पर आपका बनेगा फिनोल, और यस अगर आप चाहें यहाँ पर HX को लेकर के, यानी कि मैं यहाँ पर HI लेकर कर रही थी, HI लेकर के करते हैं, फर्दर रिएक्शन होगी तो फर्दर रिएक्शन नहीं होगी, नो फर्दर रिएक्शन इज़ पॉसिबल, क्योंकि हमने क्या किया था, हर जगह पर लास्ट में क्या जा रहा था, RI आ रहा था ना, जैसे हमने इससे पहले वाला किया था RRO R, इसकी रिएक्शन किससे करती थी हमने,
एच एक्स एक्सिस में लेकर के कर दी थी, तो हमको क्या मिल गया था, आर एक्स प्लस ऑफ वाटर मिल रहा था ना। फिर हमने आर ओ आर डैश ले लिया, वहाँ पर हमने एच एक्स लिया एक्सिस में, रिएक्शन कराई, तो क्या बन रहा था, आर एक्स प्लस ऑफ आर डैश एक्स प्लस ऑफ वाटर, यानी कि जो अल्कोहल बन रहा था वो अल्कोहल भी कन्वर्ट हो जा रहा था आपका किसके अंदर, अल्काइल हैलाइड के अंदर कन्वर्ट हो जा रहा था। यहाँ पर नहीं कन्वर्ट होगा, नो रिएक्शन, फर्दर कोई रिएक्शन नहीं होगी फिनोल के अंदर। क्यों नहीं होगी, रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को ब्रेक करने की एबिलिटी नहीं है इस ग्रुप के पास, इसी वजह से यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन यहीं पर एंड अप हो जाएगी। ओके ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस ईथर रिएक्शन, ईथर केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट क्लास में ईथर के ऊपर और केमिकल रिएक्शंस को करेंगे। अब तक के लिए जो समझ नहीं आया हो वो आप मुझसे ज़रूर पूछें कमेंट सेक्शन में, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू।